अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज जो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है टींडे गोश्त। सबसे पहले मैंने 1 किलो गोश्त लिया और इसको अच्छे से धो लिया, और अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैं प्याज कट करके डालूँगी, और अब इसमें मैं साबुत लहसुन डाल दूँगी, 1 चम्मच नमक डालूंगी, साथ ही इसमें मोटी इलायची, लौंग, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 4 साबुत लाल मिर्च और 1 ग्लास इसमें पानी ऐड कर देंगे। 5 से 10 मिनट इसको हाई फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। गोश्त जो है हमारा बॉयल होने शुरू हो चुके हैं और अब हम इसका फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, बस हम इसको 5 से 10 मिनट और इसका वेट करेंगे। जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे 1/2 कप। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैं टमाटर डाल दूंगी और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे इसमें, और इसको मिक्स करेंगे। इसको सही तरह से हम भूनेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। मैं टिंडे ऐड कर दूंगी जो मैंने अच्छे से धो के काट लिए, तो मिक्स करेंगे। करने के बाद इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। 10 से 15 मिनट हम इसको भूनेंगे। गोश्त हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। जी व्यूवर्स, हमारी टींडे गोश्त की रेसिपी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।